ग्यारह सुपारी खोल देते मंदिर का गेट। अच्छा देवता जी कब निकलेंगे फिर? अभी निकलेंगे देवता जी 18 जून को। 18 जून को मेला होता है यहाँ? 17 को मेला होता है। और बहुत ही सुंदर है। यहाँ पे ना ये देखिए सभी ने अपने मतलब गाय वगैरह छोड़े हुए, जैसे पहले परे दिखाया था। गाइस यार माँ को चलना पड़ रहा है अभी पैदल, तो अभी पहुंच गए हम नगवाई, क्योंकि नगवाई में हो जाएंगे मतलब सारे जो भी आशा वर्कर हैं, तो वो लोग सारे यहाँ पे इकट्ठा होने वाले हैं और यहीं से मतलब फिर साथ में चलेंगे सभी के सभी। तो पता क्या, पर बीच में एक्सीडेंट हो गया था तो उस कारण ना हम पीछे उतर गए, तो अब यहाँ से अभी पैदल चले हैं और ट्रैफिक लग रहा है आगे को। और बाकी तो पीछे देख सकते हो आप, गाड़ियाँ वहीं पे फंस के रह गई है, तो बस चलते हैं। तो सो गाइस फाइनली मैं पहुँच गई हूँ, ये देखिए सभी को हेलो करो सभी। हेलो गाइस, फाइनली हम सारे के सारे आ चुके हैं और अब जा रहे हैं दिखाएंगे आपको थोड़ी देर में। फिलहाल तो अभी हम निकले ही है, तो थोड़ी देर में हम पहुंच ही जाएंगे। और बाकी ये देखिए सभी लोग आ चुके हैं पीछे सारे। हेलो हेलो, बस चलते हैं सीधा। फाइनली अभी हम निकल पड़े हैं शंगड़ की ओर और टनल के साथ होके जाते हैं शंगड़ को। तो ये देखिए शंगड़ जाने के लिए, और सो गाइस ये देखिए जाते ही सबसे पहले हम आपको मिल जाता है यहाँ पे लाजी डैम। ये है लाजी डैम देखिए। हम पहुँच गए, बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है, मजे किए, खूब मजे की। हेलो हेलो यार, हाय हेलो हेलो, हाय हाय हाय, हेलो गाइस पहुंच गए हम भाभी, हाय हाय बाय, हेलो 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 हेलो, पहुंच गए। हाँ जी हाय, आए लग गई जी, अच्छा है, बाय बाय, आना आप। अच्छा ठीक है, बंद करो, बंद नहीं हुआ। तो सो गाइस चलिए मेरे साथ दिखाते हैं आपको प्यारी, और मतलब जाने से पहले बताती हूँ आपको, ये मेरा फेवरेट प्लेस है। मैं सारी जगह मैं घूम चुकी हूँ लेकिन ये मेरा फेवरेट प्लेस है और तीसरी बार मैं यहाँ जा रही हूँ। आइए आइए मेरे साथ। तो सो गाइस फाइनली अभी हम पहुंच चुके हैं पूरी तरह से शंगड़, ये देखिए, और वो परे जाके मंदिर है। अभी मैं वहां पे जाऊंगी थोड़ी देर में, और उससे पहले चलते हम पहले परे वाले मंदिर में, क्योंकि पास में एक और मंदिर भी है तो वहां जा रहे हैं। और बाकी देखिए सारे के सारे वहां पहुंच गए हैं, बस हम लोग अकेले चले हुए पीछे जी, हम दोनों। क्या नाम है? मुस्कान। हाँ मुस्कान और मैं सबसे पीछे चले हुए हैं। मुस्कान मेरा ब्लॉग बना रही है ना। सबसे पहले तो हम अपने शूज निकाल लेते हैं जल्दी से। जिस मंदिर में भी काफी ज्यादा मतलब अच्छा वाला वर्क किया गया है, तो फिलहाल अभी अंदर चले चलते हैं आपको। आइए फिर, सबसे पहले हम आशीर्वाद ले लेते हैं, फिर उसके बाद करते हैं हम बाकी बातें, ठीक है? अंदर मैं आपको नहीं दिखा सकती हूँ, यहाँ पे ताला लगा हुआ है, लेकिन बट यहाँ नजदीक से दिखा सकते हैं। आइए आगे देखना चाहिए, ये देखिए कृष्ण भगवान जी की मूर्ति है, शिव जी भगवान जी की है। सभी यहाँ पे धूप बत्ती की जा रही है, ये देखिए, तो सभी अभी धूप बत्ती करेंगे। तो सभी
शंखचूल महाराज जी का मंदिर है ये, और भंडार तो वो परे जाके बना हुआ है, तो हम परे जाएंगे बाद में। फिलहाल ये देवता का फोटो लगा हुआ है, ये देखिए। तो सो गाइस, अब दिखाती हूँ मैं आपको पूरा मतलब मंदिर इधर उधर से कैसा है। आइए, तीन बार ऐसे भी चक्कर मतलब काटते हैं मंदिर के इर्द गिर्द, तो बस अभी हम यहाँ पे जाएंगे। और ये देखिए गाइस, बाहर आप देख सकते हो, वाह कितना सही लग रहा है ना। वो देखिए इतना अच्छा लग रहा है भाई, कितना प्यारा है पार्क को भाई, ऐसे बैठ भी सकते हैं यहाँ पे, काफी ज्यादा अच्छा है। जो ये बाहर के ना खिड़कियां जो टाइप बनाई हुई है, काफी ज्यादा अच्छा लग रहा है, और डिजाइन भी इतना प्यारा है ना भाई, काफी ज्यादा। आई परे से और हाथ में उठाए जूते, और अब मैं पहुंच भी गई। क्या, ओहो केक लाया हुआ भाई, किस लिए लाए हो केक? ये किस लिए लाए? फ्रेंड इकट्ठे हुए हैं इसलिए बेटा। अच्छा अच्छा, फ्रेंड सर्कल सभी इकट्ठे हुए हैं तो बेस्ट फ्रेंड के लिए, इसके लिए, क्योंकि ये हमारे पास अब आती नहीं है, कभी कभी आती है ना, इसलिए लाया। अच्छा 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 जी, चलो करते फिर कट करो। चाहे हम जहाँ मर्जी हो, इधर उधर हो, लेकिन हम ऐसे ही मिलते रहेंगे, ऐसी पार्टियां करते रहेंगे। हाँ जी, धाकड़बाजी करते रहेंगे, धाकड़बाजी। हाँ जी, हाँ जी, देखिए इनको खुशी के आंसू आ गए। खैर छोड़ो, ये देखिए स्माइल भी आ गई, इमोशनल हो गए थोड़े, है ना। कुछ नहीं होता रहता है भाई, ऐसी है दोस्ती, क्योंकि दीदी ना यहाँ पे आते नहीं अब तो करके। तो सो गाइस, अभी मैं यहाँ पे देखिए जंगलों के बीच में खीरा काट रही हूँ, मनोज बाबू। देखिए हमारा लंच हो रहा है अभी, गंदे भी बने होता है। वाओ, ये देखिए खाने को जी डाल ली, ये देखिए भाई अभी मत। और ये वाले सिड्डू मैंने बनाया है, ये देखिए सिड्डू तेरा, ये बनाया हुआ मैंने। सिड्डू खाना तो गोल वाला, कैसा वाला? मैं खा लूंगी, बस आप बैठो आराम से, मैं कुछ भी खा लूंगी, खाने के लिए मैं रेडी हूँ। सब्जी दे, सब्जी खा ली। मंदिर दिखा दिया था जो कि उधर था, और बस अब हम जा रहे हैं इधर। तो बस यहाँ भी एक और मंदिर है, मतलब मैंने जैसे बोला ना कि भंडारा है, बड़े का भंडार, तो वहीं कर रहे हैं अभी, वहाँ चलते हैं और आपको दिखाते हैं हम। चलिए मेरे साथ। लोगों ने ना खुले छोड़ के रखे होते हैं गाय वगैरह सब कुछ, भेड़ू वगैरह, ये देखिए पीछे कैसे चल रहे हैं, और वहाँ को भी देखिए, और वो खुद बैठे हुए हैं झाड़ियों के पीछे, वहाँ बैठे हुए हैं दादी माँ, तो ये ना खुद ही चढ़ते हैं। जो पूरा मतलब ग्राउंड है ना देवते का, यहाँ पे ना सारे मतलब छोड़ देते हैं अपने गाय वगैरह, तो चढ़ते रहते हैं अपने ही अंदाज में। तो बस चलिए अभी चलते हैं हम आगे, आपको दिखाते हैं। तो सो गाइस, अभी हम आधे रास्ते तक पहुंच गए, और रास्ते में देखिए सबसे पहले मंदिर के पास आती है शॉप, ये देखिए सब कुछ है यहाँ पे अवेलेबल, अंदर को देख सकते हैं। और जो अंदर दिख रहे हैं ये हमारे पहाड़ी लोग हैं, हम भी पहाड़ी है। आइए आइए, अब आगे चलते हैं। ये देखिए देवते का भंडारा जो कि काफी ज्यादा अच्छा है, और बहुत ही ज्यादा सुंदर है, बर्फ भी काफी ज्यादा अच्छी की हुआ है, किया हुआ है, किए हुए नहीं है। आइए आइए मेरे साथ। मुझे लगता है यहाँ पे देवते का कुछ काम चला हुआ है, काफी सारे लोग हैं, किसी से पूछना पड़ेगा। आइए, वो गाइस ये देखिए देवता जी के मेन गेट पे, जहाँ की देवता जी रहते हैं, मे भी देवता जी ऊपर रहते होंगे, ऊपर रहते हैं देवता, तो शायद अलाव नहीं है ऊपर जाना, ना ऊपर जाना अलाव नहीं है, तो मैं नहीं दिखा सकती। सो गाइस, यहाँ से दिखा देती हूँ आपको मैं, अंदर चलते हैं, क्या क्या है अंदर। यहाँ तो बस शिव जी की मूर्ति है, और देवता जी रहते हैं यहाँ से ऊपर वाले, ये जो फ्लोर है ना इसके ऊपर रहते हैं देवता जी। और अभी यहाँ पे देखिए मुस्कान मेरे साथ,
और मंदिर में ये देखो ढोलक, ये कुछ है बर्क किया हुआ, तो ये यहाँ गांव के लोग होंगे। भैया यहाँ पे कुछ काम चला हुआ है, अभी देवते का घाट लगा हुआ है। हाँ मैंने सही बोला था, रथ का काम चला हुआ है। रथ का काम चला हुआ है, रथ तो बना हुआ नहीं था, बना हुआ उसमें उसके मोरे वगैरह और बन रहे थोड़े से बड़े। अच्छा देवता जी कब निकलेंगे फिर? अभी निकलेंगे देवता जी 18 जून को। 18 जून को मेला होता है यहाँ? 17 को मेला होता है, 18 को दिन है कि उस दिन जग होगा। अच्छा जी, प्रतिष्ठा होगी उस दिन। हाँ जी, ऊपर तो जा नहीं सकते ना? नहीं ऊपर अलाउड, ऊपर कोई नहीं जाता। हाँ जी, पूरा का पूरा मतलब मंदिर मैंने आपको दिखा दिया है, तो बस अब आती है बारी परे जाने की। हम एक बार फिर से चलेंगे देवता जी के ग्राउंड में, जहाँ की बहुत बड़ा एरिया है। शंखचूर महाराज जी को यहाँ पे हम प्रणाम कर लिया था और अब प्रणाम फिर से करते हैं और अब चलते हैं परे को। चलिए मेरे साथ आइए, चलो उनका सो गाइस एक यहाँ पे एक और चीज भी मिली मुझे, ये देखिए साइड से पत्थर निकला हुआ है, पता नहीं क्या है भाई ये चमत्कार, यही वो भी देख सकते हो, बिल्कुल सीधा है एकदम पत्थर पूरा ऊपर तक, इतना बड़ा पत्थर। ये किसके है आंटी जी, दादू जी, दादू दादी जी, ये किसके है? हाँ जी गाँव वाले के बेटे, आपके नहीं है? गाइस यहाँ पे ना ये देखिए सभी ने अपने मतलब गाय वगैरह छोड़े हुए, जैसे पहले परे दिखाया था तो वो लोग ना अब यहाँ पे आ गया। और ये देखिए मंदिर के सामने कैसे मतलब इतने अच्छे चल रहे हैं ना ये। देखिए सो गाइस ये प्यारी सी कैंटीन, और ये देखिए कैसे लगाए हुए थे इतने, वाह। तो बस अब हम अलविदा लेते हैं शंगढ़ से, तो हम ऊपर से तो आ गए वापिस, तो ये था मेन गेट और बस अब वहाँ निकल गए और गाड़ी हमारी वहाँ लगी है, तो चलिए फिर जल्दी से चलते हैं, चलो चलते हैं अब घर की ओर। तो गाइस फाइनली अब हम घर जा रहे हैं। ये देखिए आपको कैसा लगा भाई? बहुत अच्छा मजा। आपको कैसा लगा? बहुत अच्छा लगा, अच्छा लगा, बहुत ही अच्छा, बहुत ही अच्छा। तो सो गाइस बस चलते हैं, अब जा रहे हैं हम घर। यहाँ पे देखिए कितना अच्छा पेड़ मिल गया है और मैं इसके ऊपर कोशिश करती हूँ चढ़ने की, एक चढ़ पाई तो भाई इसको संभालना पड़ेगा, हम मैं ऐसा पेड़ होके चलते हैं। ये मोटर नहीं मारना है किसको,